जब समझ में ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही आसान से नाश्ते की रेसिपी। इसे आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या तो फिर लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। इसके लिए हमने 1 कप आटा लिया है, आधा कप हम इसमें बेसन डाल लेते हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं। प्याज का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डाल लेंगे और अब इसमें हम नमक और मसाले डाल लेते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक डालें और अब हम इसमें डाल लेते हैं धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे। इन मसालों के कारण इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल लेते हैं 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसके कारण इसमें जो हमने बेसन यूज़ किया ना उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुटी हुई धनिया का पाउडर डाल लेते हैं, यानी कि धनिया को हमने कूट करके यूज़ किया है। और 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल लेते हैं। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच हम इसमें घी का यूज़ करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसका आटा इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा, चिकना सा तैयार हो रहा है। जब आप इसे गूँथ लें तो उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में घी या तो फिर ऑयल लगाएं और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से गूँथ लें ताकि जो हमारा डो है ना बिल्कुल अच्छा चिकना सा बन जाए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो यहाँ तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने ले लिया है कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ धनिया का पत्ता। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो हमने जो डो बना के रखा था ना उसमें से हम इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे और इसमें सूखा आटा लगा के हम इसे बेल लेते हैं। थोड़ा बेलने के बाद हम इसमें प्याज वाला मिश्रण डाल लेते हैं। जो हमने प्याज, धनिया और मिर्ची को मिक्स करके रखा था ना उसे हम इसमें इस तरह से थोड़ा डाल लेते हैं। इससे इसका जो नाश्ते का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है इस प्याज के कारण। और हाथ से हल्का हल्का हमने इसे दबा लिया है ताकि प्याज अच्छी तरह से सेट हो जाए और अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा पानी लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से उल्टे साइड हम पानी लगाएंगे। जिस साइड प्याज है उसके दूसरे साइड हमने पानी लगाया है और हमने तवे में इसे डाल लिया है। और फ्रेंड्स, अब मीडियम फ्लेम पे हम तवे को उल्टा करते हुए पकाते हैं। ये देखिए, इस तरह से रोटी को हम पका लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, अब हमारे ये तंदूरी मिस्सी रोटी तैयार है। इसमें हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, घी, बटर या ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, और हल्का पका लिया। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बनके तैयार होते हैं। तो चलिए हम इसे निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है, तो आप भी इसे ज़रूर से बनाएं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पका हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से तंदूरी मिसी रोटी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।